से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है, से कूलर है जनता दल से कूलर है, से कूलर है जनता दल से कूलर है। पार्टी सबसे बेहतर है, पार्टी सबसे बेहतर है, जनता दल से कूलर है, बोलो से कूलर है। जनता दल से कूलर की नौमुंतखब सदर अपोजिशन लीडर कारपोरेटर मोहतरमा शान हिंद साहिबा से गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप तमाम लोगों से गुजारिश है जोरदार तालियों के दरमियान मोहतरमा शान हिंद साहिबा का आप इस्तकबाल करें। जनाब सदर साहब और यहाँ बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने वक्त पर अपनी आंखें खोल ली और ये महसूस कर लिया कि ये वार्ड मेयर का होने के बावजूद भी इस वार्ड को एक सादे कारपोरेटर की तरह भी तवज्जो नहीं मिली, और आप लोगों ने ये महसूस करने के बाद अपने बीच का ऐसा शख्स जो आप लोगों के लिए खिदमत करता है, आप लोगों के कामों में दिलचस्पी रखता है, न सिर्फ वार्ड के काम बल्कि घरेलू काम में भी आप लोगों की मदद करता है, ऐसे आदमी की आप लोगों ने पजीराई की और उसको उम्मीदवारी के लिए राग़िब किया। एक बात आप समझ लो, अगर एक वर्कर चुन के जाता है तो वो वर्कर जो है वो दर्द रखता है समाज के हर शोबे का, लोगों की फिक्र करता है, इसलिए किसी वर्कर का चुन के जाना है वार्ड के लोगों के लिए खुशनसीबी की बात होती है। आप लोग जितनी जोर से पटाखे फोड़ रहे हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि ये सारे जोश को आप बचा के रखो। जब आप लोग यहला भाई की निगरानी में उनकी सरपरस्ती में इलेक्शन लड़ो और तुम्हारी पसंद से वो चुन कर आ जाए तो ये जोश का इजहार करो, और इससे बेहतरीन आप लोग इस्तकबाल ये प्रोग्राम रखो, जब भी ये सारी मेहनत आप लोगों की और उनकी जो इतने सालों की मेहनत है वो वसूल हो पाएगी। और याद रखो कि ये उनके फायदे की बात नहीं है, ये आपके इलाके के फायदे की बात है। जब आप अपने इलाके में कोई वर्कर को चुन के दोगे तो आप फर्क महसूस कर लेना कि एक मेयर को चुन के देने में और एक वर्कर को चुन के देने में कितना फर्क था, जो तुम्हारे दर्द का एहसास रखेगा। मैं यहाँ जिस रोड से चल आ रही थी वो आधी रोड बनी हुई थी और पता नहीं क्या हुआ कि आधी रोड बंद हो गई, ये क्या मामला है समझिए। कई जगह मैं परसों के रोज याया भाई के साथ दो चार गलियां इस एरिए की घूमी, जगह जगह मैं देख रही हूँ कि बीच बीच में से रास्ते में काम अधूरा रह जाता है। कौन सा इंजीनियर आके ये काम करता है, कौन से इंजीनियर के अंडर में काम होता है, यही समझ में नहीं आता। कहीं रोड इतनी ऊंची होती है, कहीं बिल्कुल नीची होती, रोड खत्म होता समझ में नहीं आता, गटर के ऊपर जो देखेंगे तो खुला हुआ गटर है। मैं खुद आए थे, मेरे साथ अर्जुन भाई, मुझे बोले देखना भाई कहीं गिर ना जाए। ये हालात है इस वार्ड के, आप ये समझ लो कि आपके वार्ड से मेयर चुन के गया है, दोनों मर्तबा का रहने वाला मेयर इसी वार्ड का नुमाइंदा था, और आपके वार्ड की क्या हालत है तो आप समझ लो कि पूरे शहर को इन लोगों ने किस तरह खंडर बना के रखा है, जो अपने वार्ड की तवज्जो नहीं देते। आजाद अनवर साहब अपने अशार में बोल रहे थे, शेर का लकब दे रहे थे यहिया भाई को, शेर वही है जो पूरे 24 घंटा और 5 साल तुम्हारे बीच में रह के काम करता है। नहीं तो अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, मैं अभी आ रही थी तो मोबाइल में देख रही थी, शेर इज बैक। तो ये इलेक्शन के टाइम में ही क्यों बैक होते हैं सारे शेर, नाम आ रहे थे शेर इज बैक, अब शेर जिंदा था तो अरे शेर मरा कहाँ था अभी तक। इतने सालों से इलेक्शन हारने के बाद लोग अपने घर में घुस जाते, कोई आराम का काम नहीं करते, और जब इलेक्शन आने लगता तो सारे शेर बैक हो जाते। तो ये बैक होने वाले शेर ये 5 साल कौन सी बकरी बन के घूमते रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ये शेर वही है जो इलेक्शन जीतने हारने की परवाह ना करे, खिदमतगार वही है जो तुम लोगों के लिए तुम्हारे दुख सुख में, तुम्हारे तीर त्यौहार में, तुम्हारे लॉकडाउन में, तुम्हारे पुलिस स्टेशन के मसाइल में, तुम्हारे रोड के मसाइल में हर वक्त तुम्हारे लिए खड़ा रहे। ये शेर नहीं है जो इलेक्शन हार गए तो घर में घुस गए, फिर इजलास आया तो अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखी कि भाई शेर इज बैक आने लगा, तो मैं सोच रही थी कि ये शेर बैक हुए तो पहले कौन सी बकरी बने बैठे थे इतने सालों से। इलेक्शन हार गए
अरे वर्कर वो है, खिदमतगार वो है जो इलेक्शन के नतीजे की परवाह किए बिना लोगों की खिदमत करे। सिर्फ इलेक्शन के वक्त आपके लिए आ जाए वो तुम्हारा हमदर्द नहीं है, वो खुद का हमदर्द है कि इलेक्शन के टाइम में तुमको पूछता है फिर कर्जेदारों के डर के मारे इधर उधर छुपता है। आप लोग जमूर नगर के इलाके में रहते हैं इसलिए आपका ताल्लुक कहीं ना कहीं साथी निहाल अहमद साहब के साथ है, क्योंकि आपके इलाके का नाम जमूर नगर इसलिए है कि करीब में जमूर हाई स्कूल, जमूर हाई स्कूल का जो कारनामा है साथी निहाल अहमद साहब ने इसलिए किया था इस इलाके में कि यहाँ पे रहने वाली आबादी इंतहाई गरीब थी, शहर के दूसरे हिस्सों से या महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से आकर यहाँ बसे थे और साहब हमेशा ये सोच बोलते थे कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद सबसे अहम जरूरत है वो है तालीम। साथी निहाल अहमद साहब इतने साल MLA रहे, वो मिनिस्टर थे, वो अपोजिशन लीडर थे, वो चाहते तो शहर के किनारे कोई स्कूल बनाने की बजाय शहर के मरकज में स्कूल बनाते जैसे दूसरी स्कूलें चलती है जो कारोबार का धंधा करती। अगर यही नियत होती सिर्फ स्कूल की तो शहर के जहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं वहाँ स्कूल बनाए जाते। लेकिन साथी निहाल अहमद साहब की ये ख्वाहिश थी कि शहर के किनारे के हिस्से में स्कूल बनाई जाए ताकि दूसरे जगह से आने वाले गरीब लोग यहाँ पर रहकर तालीम हासिल कर पाए। वही वजह थी जो यहाँ पर आप लोगों के इतराफ में जमूर स्कूल बनी और आपकी बस्ती जमूर स्कूल के बाद आई, इसीलिए उसका नाम जमूर नगर रखा गया। तो ये मामूली कुर्बानी नहीं है साथी निहाल अहमद साहब के साथ, आप लोगों के साथ जो उन्होंने स्कूल का तोहफा दिया है समझ लो अगर स्कूल बाद में कई स्कूलें बन गए, लेकिन जिस वक्त ये स्कूल बनी उस वक्त कोई यहाँ बड़ी स्कूल नहीं थी या छोटी स्कूल भी नहीं थी जो मेरी मालूमात के हिसाब से। तो आप कम से कम उस बात का ख्याल रखें कि इतनी अजीम सोच थी साथी निहाल अहमद साहब की कि उन्होंने कच्ची बस्ती में रहने वालों को जहाँ घर बनाने का काम दिया। सिर्फ घर ऐसे ही नहीं है कोई अचानक नगर बस गया, लोग आ गए, पत्री ठोक दिए, बल्ली पत्रा लगा दिए, ये नहीं किया साथी निहाल अहमद साहब ने। उन्होंने बस्तियाँ बसाई और उस घर का मालिक कानूनी तौर पे रहने वाले को बनाया और जहाँ उनका राशन कार्ड का काम जिंदगी भर साथी निहाल अहमद साहब राशन कार्ड का काम करते थे। मैं पूछती थी कि अब क्या ज़रूरत है अब्बा ये सब करने की, तो वो बोलते थे कि रोटी कपड़ा और मकान ये सबसे ज़रूरी है और कहीं ना कहीं रोटी का ताल्लुक जो है राशन कार्ड से है, इसलिए वो कोशिश करते थे कि राशन कार्ड लोगों के बने। वो 65 साल के जो लोग रहते थे जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है उनके वजीफे के लिए आखिरी वक्त तक लड़ते थे कि पेंशन मिलना चाहिए। मैं सोचती थी कि ये क्यों करते, लेकिन जब आज मैं ये काम करती हूँ या हमारे साथी ये काम करते तो महसूस करते ये 1000 रुपया महीना जो बुज़ुर्गों को मिलता है ये भले ही अपने लिए कोई अहमियत ना रखता हो लेकिन उनकी दवा गोली के लिए बहुत बड़ी रकम है ये, जो सहारा है उन लोगों के लिए। ऐसे साथी निहाल अहमद साहब की सोच हुआ करती थी और साथी निहाल अहमद साहब ने हमेशा वर्करों की इज्जत की। जब कोई एक इम्पोर्टेड बाहर का सेठ उम्मीदवार आया करता था बनिस्बत उनके वर्कर के सामने तो वो वर्कर को अवलियत देते थे। उनका ये कहना था कोई भी MLA या MP अगर वो म्यूनसिपल्टी ग्राम पंचायत पंचायत समिति का इलेक्शन नहीं लड़ा है तो वो अच्छा MLA MP साबित नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी वार्ड का इलेक्शन लड़ता है वही दर्द समझ सकता है लोगों को। और आपके वार्ड में एक ऐसा दर्दमंद आदमी जो इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने जीतने हारने की परवाह किए बिना आपके लिए काम करता रहा, ये याद रखो। वक्ती फायदा जो इलेक्शन के वक्त में आकर लोग लालच देते हैं उसमें आ जाना मतलब अपने 5 साल जाये करना। ऐसे तुमको वक्ती फायदा या गुंडागर्दी, जो मेरे साथ बैठे हुए लोग थे मुझे बताया कि यहाँ बहुत गुंडागर्दी होती है, अरे मोमिन सिर्फ खुदा से डरता है और किसी के बाप से नहीं डरता। अगर तुमने ये तहिया कर लिया कि हमको हमारे बीच में रहने वाले हमारा साथी जो हर 5 साल में हमारे साथ रहता है कभी किसी चीज की परवाह नहीं करता है, जिसको आवाज दो तो अपने घर से निकल जाता है, वो नहीं जिनको आप बुलाते रहो और वो आते नहीं, आप चुन के चले जाते हैं यहाँ से, बड़ी बड़ी पोस्ट पा लेते हैं लेकिन कभी भी आपके दुख सुख में शामिल होते नहीं, अरे यहाँ तक कि उन्होंने ये परवाह भी नहीं की कि मैं इस वार्ड से मेयर बन रहा हूँ या मैं मेयर बन रही हूँ, अगर लोग मेरे वार्ड में जाके देखेंगे तो मुझ पर थूकेंगे कि क्या हालत है, उन्होंने ये चीज़ की भी परवाह नहीं की। तो ऐसे लोगों को ऐसी पार्टी को इलेक्शन के वक्त आपको सबक सिखाना है
और ये बताना है कि हम काम करने वाले को चुनते हैं। आप पूरे मालेगांव शहर में देख लो, अखबार पढ़ते हो, व्हाट्सएप देखते हो, आपको समझ में आता हो कौन सी पार्टी पूरे 5 साल काम करती रहती। अब कौन लोग हैं जो काम करते हैं? एक राशन कार्ड का काम हो तो जनता दल ऑफिस पे काम होता है, एक वजीफे का काम हो तो जनता दल ऑफिस पे काम होता है। हर छोटे बड़े काम 5 साल जो है वो जनता दल ऑफिस पे होता है, क्योंकि हमारे वर्कर जो हैं वो मेहनती हैं, लोगों का दर्द रखते हैं। वो हमको बोलते हैं देखो ये आ रहा है, लोगों का फायदा हो सकता है, अपनी ऑफिस से फॉर्म भर लो। दूसरी पार्टी वाले ये काम नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ इलेक्शन में आना होता है, आप लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारना होता है, और चुन के आने के बाद कभी वार्ड में झांकने नहीं आते। आप ऐसे लोगों को खबरदार रहो, ऐसे लोगों से जब इलेक्शन आए तो अपनी ओट के जरिए उनको जवाब दो कि हमने उसको चुना जो हमारे बीच का था, जो हमारे लिए था और हमारे लिए काम करेगा। आप लोग यहाँ सब जमा हो गए, इतनी आपने, मैं मानती हूँ काबिले मुबारकबाद है जनता दल के लिए भी कि एक ऐसा सच्चा वर्कर जो सचमुच खिदमत खल्क का काम करता है, सिर्फ इस वार्ड के लिए नहीं है ये अब्दुल जब्बार साहब काम करते हैं, शहर के दूसरे इलाकों के लिए भी अगर कोई उनके पास आता है तो वो बराबर उनका काम करते हैं। और मैं आप लोगों के सामने इस बात का वादा करती हूँ कि हमारा नुमाइंदा अगर इस वार्ड से चुन के गया तो आप फर्क देख लेना, ये आपके 10 साल और हमारे नुमाइंदे के 5 साल। हालांकि आपने फारूक सेठ का 5 साल देख चुके, वो जनता दल के उम्मीदवार जो यहाँ से चुन के गए थे, जब आप वो चुन के गए वो कोई मेयर भी नहीं थे, वो कोई सत्ता में नहीं थे, वो अपोजिशन में थे, लेकिन रोड का काम उन्होंने किया, नल का काम उन्होंने किया, गटर का काम उन्होंने किया, और उनके बाद के लोग जो यहाँ से चुन के गए और उन्होंने अपनी मेयर की कुर्सी भोगे, लेकिन उसके बावजूद आपके वार्ड का क्या हाल उन्होंने किया, ये आप लोग मुझसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जनता दल को हम दो नज़रियात पे चलाना चाहते हैं। एक साथी निहाल अहमद ने जो हमको नज़रिया दिया है उसको चलाने के लिए हम नौजवानों का साथ चाहते हैं, उनका जोश चाहते हैं और बुजुर्गों की रहनुमाई। अगर आप लोग जनता दल का साथ देंगे तो हम ये वादा करते हैं आप लोगों से कि हम ये सारे गुनाह करने वाले, रिश्वतखोरी करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और एक नए मालेगांव का नक्शा खींच के आपके सामने पेश करेंगे। हम ये नहीं बोलते कि हम कोई ताजमहल बना देंगे, लेकिन दूसरों से अच्छा और बेहतर काम आपको हमारा नुमाइंदा करके बताएगा, इस चीज का वादा मैं जनता दल की सदर होने के नाते आप लोगों से करती हूँ। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप जरूर खिदमत करने वाले इंसान को पहचानोगे जो आपके बीच में है, ऐसे आदमी का काम करोगे और चुन के लाओगे, उसके बाद आप फर्क देख लेना। यहाँ अदारे, अंजुमन और बुजुर्गान जो भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे बुलाया, इतनी इज्जत दी, जनता दल की कदर की, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। जब भी हालात आप लोगों को हमारी महसूस हो, या भाई तो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी हालात में हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हम लोगों को बुलाएं। हम लोग खिदमत खल्क को ही सियासत को ही खिदमत खल्क का सबसे अच्छा जरिया समझते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, और आइंदा भी आप लोगों के जो काम होंगे हम अभी भी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।